नमस्कार, मैं आपके साथ कामराज सिंह। आप देख रहे हैं के न्यूज एक्सप्रेस। बने रहिए हमारे चैनल के साथ देखने के लिए हर खबर का खुलासा। बिजनौर एसपी धर्मवीर सिंह ने नवीन चौकी का लोकार्पण किया। इस दौरान चौकी प्रभारी अभिलाष प्रधान ने एसपी को साल देकर सम्मानित किया। चौकी प्रभारी अभिलाष प्रधान ने कड़ी मेहनत व लगन के साथ चौकी को दुल्हन की तरह सजाया और ग्रामीणों क्षेत्रों में से आए गणमान्य लोगों को जलपान कराया। दरअसल बिजनौर थाना कोतवाली शहर नजीबाबाद रोड स्थित पैदा चौकी इंचार्ज का आज बिजनौर एसपी धर्मवीर सिंह ने लोकार्पण किया। एसपी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमत पैदा चौकी का आज लोकार्पण किया गया है। इस चौकी में 22 गांव निर्धारित किए गए हैं और एसपी ने बताया कि यह चौकी 4 साल से कार्यशील है, जिसको नवीनीकरण कराकर बिल्डिंग में मरम्मत कार्य कराकर सुंदर बनाया गया है। साथ ही एसपी ने बताया कि यहाँ पर चौकी होने के कारण क्राइम पर भी कंट्रोल रहेगा और महिला सशक्तिकरण को लेकर पुलिस काम करेगी। इस दौरान एसपी धर्मवीर सिंह ने चौकी प्रभारी निरीक्षक अभिलाष प्रधान की प्रशंसा की। अभिलाष प्रधान ने कड़ी मेहनत से चौकी को दुल्हन की तरह सजाया है। मुरादाबाद मंडल से कामराज सिंह की रिपोर्ट। आज एक चौकी, नवीन चौकी हनुमत पैदा का लोकार्पण किया गया। यद्यपि यह चौकी कार्यशील पिछले 4 सालों से थी, लेकिन अपना बिल्डिंग और निर्माण सारा सिस्टम वायरलेस सेट ऑपरेशनल हो गया है और इसके अंदर में करीब 22 गांव निर्धारित किए गए हैं। अभी तक लोगों को यह कन्फ्यूजन था कि यह चौकी मात्र एक गांव के लिए है। हनुमत पैदा चौकी 22 गांव के लिए है। यहाँ की चौकी प्रभारी स्टाफ अलग हैं और उनका कार्य क्षेत्र दायित्व भी अलग है। उम्मीद है कि इस चौकी के खुलने से स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ के अपराध नियंत्रण में, रोड एक्सीडेंट में, कोविड-19 के रोकथाम में, मिशन शक्ति के अभियान के अनुपालन में काफ़ी तीव्रता आएगी।